टीवी दे सेहत प्रेमियों प्याला बंगट वालों आप सब नू प्यार परी जय गुरुदेव नमस्कार सत श्री अकाल ते सलाम अलैकुम। अज दे प्रोग्राम दिल दियां गल्लां विच दो कवितावां होणगियां। तुहानू पता है कि मई महीना एक साडे लई साडी कौम लई बहुत ही अहमियत रखदा है। ये असी एक कविता मैं अमर शहीद संत रामानंद जी नू समर्पित करांगा और एक कविता सतगुरु दी महिमा बोलांगा, क्योंकि जो संत रामानंद जी साडी कौम लई शहादत दे गए आ उहनां नू श्रद्धांजलि भेंट करना साडा सब दा फर्ज़ बनदा है। और मैं हर हफ्ते एक कविता जे हो सके तां दो कवितावां भी, क्योंकि मैं बहुत सारियां कवितावां संतां दी महिमा च लिखियां हन। सो पहली कविता है लख वारी सीस झुकावां, झुकाउणा ही बनता है जो उन्होंने साडी कौम लई कीता। अपने खून का एक एक कतरा कौम लई निछावर कर गए, असी उन्हां नू बहुत ही चौके सलाम करते हाँ। मैं वारे बलिहारे जावां लख वारी सीस झुकावां संत रामानंद जी नू, जिन्हें वियाना धरती नू भाग लगाए होए शहीद पर नहीं बंबा तो घबराए। लोका ध्रू तारे की कुरबानी का अमर साका मैं लिख सुनावां, मैं लिख सुनावां लख वारी सीस झुकावां संत रामानंद जी नू। सिफत ना होवे उस महा बलिदानी दी रविदासिया कौम लई, रविदासिया कौम लई उहदी दित्ती कुरबानी दी उहदा पैगाम मैं किन्हां अखरां नाल कौम नू समझावां। मैं तां भारे बलिहारे जावां लख वारी सीस झुकावां, लख वारी सीस झुकावां। लिखिया है कि 25 मई 2009 दा दिन कदे भुलाया नहीं भुल सकदा, कदे नहीं भुल सकदा। डुलिया साडे संतां दा खून अजाई कदे भी नहीं हो रुल सकदा। ते दित्ती चार होर सूरियां कुरबानी जम्मे पुत जवानखी मावां, मैं भारे बलिहारे जावां लख वारी सीस झुकावां, लख वारी सीस झुकावां संत रामानंद जी नूं। अणख नाल जीवना असी अणख नाल मरना है, अणख नाल जीवना असी अणख नाल मरना है। भय किसे नूं देना नहीं, ना ही किसे तो डरना है। दे गया सब कर सानू उहदा संदेश ही मैं दोहरावां, उहदा संदेश ही मैं दोहरावां। मैं भारे बलिहारे जावां लख वारी सीस झुकावां संत रामानंद जी नूं। आओ आदि वीरो रविदासियो खाओ कसमां अपने ईमान दियां, जपो अमृत बाणी एको रविदासिया धर्म महान दियां। थानू जय गुरदेव, धन गुरदेव दा पाठ मैं पढ़ावां ते लख वारी बलिहारे जावां, लख वारी सीस झुकावां संत रामानंद जी नूं, संत रामानंद जी नूं जिन्हें वियाना धरती नूं भाग लगाए होए शहीद पर बंबा तो नहीं घबराए। लोको ध्रू तारे की कुरबानी का अमर सिक्का मैं लिख सुनावां, लिख सुनावां। ऐसी जी मेरी कविता संत रामानंद जी नूं, जिन्होंने कि शहीदी दे के साडी कौम नूं एक वक्री आईडी दिती है। और तुसी सब जानते हो इस तरह दियां मैं कवितावां हर हफ्ते थानू एक कविता उन्हां नूं संबोधन करके, और दूसरी कविता है सतगुरां नूं कि अज इस वेले जो करोना चलिया है और बहुत सारे साडे देश दे विच इहदी मार पै रही आ, ते मेरी कलम सतगुरां नूं बेनती कर रही है कि हौसले बुलंद रखी दात्या, दुख सुख तां आउंदे जांदे रहिंदे ने। तेरी निगाह सवली रहे सतगुर, नेरे सिमट सबकते सवेरे जन्म लेंदे ने। तू हौसले बुलंद रखी दात्या, हौसले बुलंद रखी दात्या। अजला तोतें रीत चलाई तेरी की करां बड़ियाई, रंग बिरंगी दुनिया सजाई भांत भांत दी सिरज लुकाई। अणगिनत सूरतां पर एक दूजे तो बख मूरतां, एक ही अद्भुत खेल दचाई। कदे सोचा
किन्ने भी बच्चे होने एक परिवार दे बखरा महादरा होएगा। जमाने वाले इनू जग रचना का व्यापक समेल कहिंदे ने। हाँ बिल्कुल, पर तू हौसले बुलंद रखी दात्या, दुख सुख तो आउंदे जांदे रहिंदे ने। प्रभु ये जग तंदे तें लाया, मोह प्यार दा ऐसा चक्कर चलाया, देखे देखण वाला तेरे चमन दा ए मतबाला तो दंग रह जाए तक भाग नशाया। पर कई ग्रिस मार्ग तो डरदे वो जंगली जा आसन धरदे टूडण लई खुदाया। ये जीवन एहसास, ये जीवन एहसास आपो अपनी फितरत सुखरास, कुछ देंदे ते कुछ लै बिंदे ने। तू हौसले बुलंद रखी दात्या, दुख सुख तो आउंदे जांदे रहिंदे ने। तीसरा कॉलम की कह रहा कि जिंदगी खुशबो बिना तो एक मिट्टी की ढेरी है, तो चाहत जरखेज दलेरी है। तपदे थलां जो बहा लियाए, खून पसीने नाल जीवन महकाए, वो बात चंगेरी है। अपने ढिड की भुख तो पूरी हर कोई करदा, पर दूजे लई मरदा टामा टामा हिमालिया पर्वत फतेह करदा। ओ जांबाज टेंजिंग हलेरी है, विसन जावे एवें जिंदगानी, सब जूना तो उत्तम ए वरदानी, कर्मा वाले ही मानस जन्म च पैंदे ने। तू हौसले बुलंद रखी दात्या, दुख सुख तो आउंदे जांदे रहिंदे ने। लास्ट लेना इस कविता दियां के प्यारे, उच्चा अरादा रहे मंजिल तेरी, मुश्किलां ना अड़चना ना बन अटकना, बन ना हरजन अजल मेरी, तूफाना दा वहन रोके इंसान, जुल्मां दी दहिश टोके इंसान, इंसानियत होए असल शक्ल मेरी। आपां इंसान बनना है, नेरे नूं चानण कर दिखलावां, जीवन एहसास जगाउंदा जावां, अक्सर पांदी तीसी फिर चढ़ पाउंदे ने। तू हौसले बुलंद रखी दात्या, दुख सुख तो आउंदे जांदे रहिंदे ने। तेरी निगाह सवली रहे सतगुर, तां नेरे सिमट सवक्ते सवेरे, जन्म लेंदे ने जन्म लेंदे ने। हुण दोस्तो लाइना खोलतियां हन, तुहानूं टैलीफोन नंबर तां पता ही है, आओ अपनी महफिल सजाओ। जिहड़ियां तुहाडियां रचनावां कवितावां हुंदियां उह साडा कवि दरबार सजाउंदियां। टैलीफोन नंबर तां पता ही है तुहानूं, 0300-770-2246। ये नंबर कमाओगे तो तुसीं मेरे नाल संपर्क पैदा कर सकोगे, क्योंकि थोड़े आउण दे नाल ही जो कवि दरबार है वह सजदा है। सो पहली लाइन आ रही है। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। पहला लगे मंगल जी, जोगिंदर महेश जोगी जी, जी आनू। सब तो पहला जी रमानंद नूं कोट कोट प्रणाम करते, श्रद्धांजलि पेश करते हैं जी। हाँ जी। ते संतां दे बारे में एक गीत बोलन लगा जी। हाँ जी। सच्चे दिलों रब गुरु नूं ध्याया, जिहड़ो संत रमानंद ने दे के कुरबानी कौम नूं जगाया, वीरो संत रामानंद ने। बिलकुल। ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਇਆ, ਵੀਰੋ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਵੀਰੋ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੰਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਏ, ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੰਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਅਮਰਤਾ ਬਾਣੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਇਆ ਏ, ਨਰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਵੀਰੋ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੂਬ ਆਪ ਉਹਨੇ ਖੂਬ ਆਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਸਿੱਧੇ ਕੌਮ ਰਾਹੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਕੌਮ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਵੀਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ ਸਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ ਸਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਮਸਤੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੱਗੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੀਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਵੀਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ।
मेहे जोगी मिठे पुरी दसे सच की कहानी नू मेहे जोगी मिठे पुरी दसे सच की कहानी नू जान लगे भी गोरां दी बैठे पढ़दे सी बाणी नू क्यों तोर गए चेता ना साडा आया क्यों तोर गए चेता ना साडा आया संत रामानंद जी ने देख कुरबानी कौम नू जगाया वीर संत रामानंद जी जय गुरुदेव जी धन गुरुदेव जी बहुत बहुत मेहरबान जी टाइम देन दा ओके जी वेरी गुड थैंक यू तुसी सिद्धांली बहुत अच्छी भेंट की है साडे जगिंदर महे जोगी जी जिहड़े आप कवितावां लिखदे आ और फिर आके साडी महफिल दे विच खुद आप जब तो असी प्रोग्राम शुरू किया उतो जगिंदर महे जोगी जी आ रहे आ मैं इन्हां दा तह दिलों शुक्रगुजार हाँ क्योंकि थोड़े आने दे नाल ही ये जिहड़ा प्रोग्राम है अगली कॉल आ रही है। हाँ जी जय गुरुदेव जी। हेलो जी जय गुरुदेव जी। हेलो हाँ जी बिंद्रा साहब सत श्री अकाल जी की हाल जी। मेहरबानी बहुत शुक्र दादा सा। हाँ जी कल बड़ा इतिहासिक दिन है 48th एनिवर्सरी हैगी है शिव कुमार बटालवी की। अच्छा जी मतलब पंजाब का नामवर पोएट साहित्यकार कवि जो कुछ कह लो ठीक 18वीं बरसी है कल से ऐसी आज मिड नाइट नू है। हाँ जी मेरी बड़ी प्यारी गजल है और मेरी बड़ी फेवरेट है। हाँ जी पेश कर रहा हूँ जी। ठीक है जी मैनू तेरा शबाब ले बैठा मैनू तेरा शबाब ले बैठा संग गोरा गुलाब ले बैठा संग गोरा गुलाब ले बैठा मैनू तेरा शबाब ले बैठा। क्या बात है दिल दा डर सी किथे न ले बैठे दिल दा डर सी किते न ले बैठे लही बैठा जनाब ले बैठा। क्या बात है लही बैठा जनाब ले बैठा तेरा शबाब ले बैठा। हाँ वेल जद भी मिली है फर्जा तो वेल जद भी मिली है फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। क्या बात है तेरे मुख दी किताब ले बैठा मैनू तेरा शबाब ले बैठा मैनू जद भी तुसी याद आए मैनू जद भी तुसी याद आए दिन दिहाड़े शराब ले बैठा दिन दिहाड़े शराब ले बैठा दिहाड़े शराब ले बैठा मैनू तेरा शबाब ले बैठा किन्नी बीती ते किन्नी बाकी किन्नी बीती ते किन्नी बाकी हिसाब ले बैठा मैनू ए हो हिसाब ले बैठा मैनू तेरा शबाब ले बैठा शिवनू एक गम से ही परोसा सी शिवनू एक गम सही परोसा सी तम तो कोरा जवाब ले
बैठा। क्या बात है, तुम तो कोरा जवाब ले बैठा, मैं तेरा जवाब ले बैठा, गोरा गुलाब ले बैठा, तेरा जवाब ले बैठा। मिर्जा साहब, वो बिरहा दा सुल्तान उन्हें क्या गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें सारी जिंदगी जड़ी है ना, इसी तरह बिरहा दे विचों दी लंघ गई। पर गाना भी बहुत सुना थी, गाना भी बहुत। क्या बात है, उन्हें दा क्या कहना, वो एक एक लफ जड़ा या बिल्कुल मन नु तू पौंदा। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिंद्रा साहब, राजी रहो जी, थैंक यू, क्योंकि उन्हें दे मन च बहुत दिल च बहुत दर्द सी, संभाल के रखिया दर्द दिले च, ओ तेरी प्रीत दा मिलिया ए सिला सजना, किन्नी क देर इम्तिहान दी सूली ते टंगी रहेगी जान, केहा कफूर ए चंद्रा होया सिला सज किला सजना। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। हाँ जी, सत्कार योग वीर जी, जय गुरुदेव, सिमरजीत कौर चाल बोल दी है। जी आयान सिमरजीत भैन जी, जी आयान। हाँ जी वीर जी, जो स्रोते इस वेले प्रोग्राम सुन रहे सारे, जय गुरुदेव। हाँ जी तन गुरुदेव। हाँ जी, ते वीर जी प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है। बिल्कुल जी। हाँ जी, ते मेरी भी कविता है शिव कुमार बटालवी दी है। क्या बात है, क्योंकि हाँ उन्हें दी आज एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, बोलो जी। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मामा, कुछ रुख लगदे मामा, कुछ रुख लोहा तिया लगदे, कुछ रुख लोहा तिया लगदे, कुछ रुख बांग परामा हो, कुछ रुख बांग परामा हो। क्या बात है, कुछ रुख मेरे बाबे बाकण, कुछ रुख मेरे बाबे बाकण, पत्तर टामा टामा हो, पत्तर टामा टामा हो, कुछ रुख मेरी दादी वर्गे, कुछ रुख मेरी दादी वर्गे, चूड़ी पावन कामा हो, चूड़ी पावन कामा हो, कुछ रुख जारा वर्गे लगदे, कुछ रुख जारा वर्गे लगदे, चुम्मा ते गल्ला मा हो, चुम्मा ते गल्ला मा हो, एक मेरी महबूबा बाकण, एक मेरी महबूबा बाकण, मिठा ते दुखामा हो, मिठा ते दुखामा हो, कुछ रुख मेरा दिल करदा ए, कुछ रुख मेरा दिल करदा ए, मोटे चक खडामा हो, मोटे चक खडामा हो, कुछ रुख मेरा दिल करदा ए, कुछ रुख मेरा दिल करदा ए, चुम्मा ते मर जामा हो। क्या बात है, चुम्मा ते मर जामा हो, कुछ रुख जद वीरा के चुम्मण, कुछ रुख जद वीरा के चुम्मण, तेज बगन जद बामा हो, तेज बगन जद बामा हो, सावी बोली सब रुखा दी, सावी बोली सब रुखा दी, दिल करदा लिख जावा हो, दिल करदा लिख जावा हो, मेरा भी ये दिल करदा ए, मेरा भी ये दिल करदा ए, रुख दी जूने आवा हो। क्या बात है, रुख दी जूने आवा हो, रुख दी जूने आवा, क्या करता है, क्या बात है, जे तुसा मेरा गीत है सुनना,
जे तुसा मेरा गीत है सुनना मैं रुखा विच गावां हो मैं रुखा विच गावां हो रुख ता मेरी मां वर्गे ने बिल्कुल रुख ता मेरी मां वर्गे ने जीवन रुखा दिया छावां हो जीवन रुखा दिया छावां हो बहुत बढ़िया कविता कुछ रुख चुमा ते मर जावा रुख दी जूने मैं मुड़ आवा क्या बात है उन्होंने जो शिव कुमार बटालवी ने जिहड़ी भी गल कही है उहदे विच बहुत ही दर्द है बहुत ही उहदी हूक है वो तो इस तरह है जिस तरह मैं कह रहा सी कि संभाल के रखिया दिल दर्द दिले च तेरी प्रीत दा मिलिया इहो सिला सजना किन्नी क देर इम्तिहान दी सूली ते टंगी रहेगी जान केहा कफूर ए चंद्रा होया गिला सजना कोल आ रही है। हाँ जी जगदेव जी धन गुरदेव जी हाँ जी जिंदर जी जी आया नु भैन जी की हाल जी थैंक यू भाजी थैंक यू थोड़ा हाँ जी होर ठीक ठाक सेहता ठीक है बिल्कुल तुसी आ गए तो होर ठीक हो गए। हाँ जी अज मैं गीत अपना गजल लेके आई हाँ गाए गीत मैं लख दुनिया गई क्या बात है अपने लिए कोई गीत ना मिलिया दुख दे विच सब हो गए अपने दुख वेले कोई गीत ना मिलिया क्या बात है बहुत वधिया। हाँ जी बोलो गाए गीत मैं लख दुनिया गई गाए गीत मैं लख दुनिया गई अपने लिए कोई गीत न मिलिया दुख दे सब हो गए अपने दुख वेले कोई लिया दुख दे सब हो गए अपने दुख वेले कोई मीत नमलिया बिल्कुल ये गीत मैं लख दुनिया लई साहा दे पंछी उड़ते चले ने नांद विच परवाज है तेरी साहा दे पंछी उड़ते चले ने नांद विच परवाज है तेरी मेरे दिल विचों निकले इना दिया बाद है तेरी इना दिया बाद है तेरी गाए गीत मैं लख दुनिया लई अपने लई कोई गीत न मिलिया पंछी चले नीना तेरी गीत मेरे ने रूप तेरा है गीत मेरे ने रूप तेरा है मेरे जिनानू चंदता दे लुक गए पर मेरे से मिले हुए अत्रू पलकां दे बूहे ते हाये रुक गए पलकां दे बूहे ते हाँ रुक गए गाए गीत मैं लख दुनिया लई लोकां साडे बोल सुने ने पर बोलां दी कदर न जानी लोकां मेरे बोल सुने ने पर बोलां दी कदर न जानी सबनों जख्म दिखाए दिल दे
मेरी पीड़ न जाने क्या बात है। गीत लख दुनिया ले अपने ले कोई गीत न मिला सुख दे बिच सब हो गए अपने सुख दे ले कोई मीत न मिला गीत न मिला गीत क्या बात है जिंदे जी क्या बात है बहुत बढ़िया। मलाह दे हुक्के च कदे पानी नहीं हुंदा जिहड़ा गवैया ओह दुनिया लई गाउंदा है गाए गीत में लख दुनिया लई अपने लई कोई गीत ना मिलिया क्या बात है क्या बात है। सो रूह तुक के कोयला होई ते कोयला सुड़के सड़के राख अजे भी मिलदी आस जीउंदी खाक इंज जरखेज दिल नहीं मरदे ओ सितम प्यारे जरदे ओ सितम प्यारे जरदे सबर च जित हारदा इयो चलदे सिलसिला सजना संभाल के रखिया दर्द दिले च तेरी प्रीत दा मिलिया इहो सिला सजना। लाइव कॉल आ रही है। हाँ जी जय गुरुदेव जी। हाँ जी नमस्कार जय गुरुदेव जी। कौन बोल रहा है जी? मैं लेवड्राम बोल रहा हूँ। मैं पहली बार थोड़े प्रोग्राम से शिरकत कर रहे हैं। अच्छा जी बहुत बढ़िया थोड़ा प्रोग्राम होता मैं सुनता ना अक्सर तो फिर मैं चल अच आप भी गुरु के प्रति कुछ चार बोल बोल लीए तो जो इजाजत हैगी है क्योंकि हाँ जी हाँ जी की तुम अच की लैके आए साहब? हाँ मैं एक छोटा जा भजन है गुरु के प्रति तो हाँ जी गुरु रामानंद जी देखो जी पिछे जो हम हुए थे तो गुरु तो कोई भी हो गए ना उन्होंने कमी नहीं कदम पूरी हो सकती है ना। हाँ जी हाँ जी सर मैं कुछ लैंना उन्होंने प्रति कहना चाहना जो थोड़ी इजाजत। बोलो 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 जी। सतगुर तेरे चरणों की सतगुर तेरे चरणों की कहीं दूर ये मिल जाए कहता हूँ फिर मेरी तकदीर बदल जाए सतगुर तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है दिन रात तड़पता है ये मन बड़ा चंचल है दिन रात तड़पता है जितना इसे समझाया जितना इसे समझाया उतना ही मचलता है सतगुर तेरे चरणों की नजरों से गिरे नजरों से कोई गुजर जाए जी नजरों से किराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए सतगुर तेरे चरणों की बस एक ही तमन्ना है इस छोटे जे दिल की बस एक ही तमन्ना है इस छोटे जे दिल की तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे दम मेरा निकल जाए सतगुरु तेरे चरणों
फिर बदल जाए अत गुरु तेरे चरणों की। जो बोले सोन पे सतगुरु दास महाराज की जय। थैंक यू देवीराम जी, क्या बात है, तुसी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा मन बड़ा चंचल है, दिन रात तड़पता है, क्या बात है, बहुत सोहना तुसी लफ्ज़ वरते आ। और पहली बार तुसी आए हैं, परमात्मा थानू सदा ही इस तरह हौसला बख्शे, टाइम भी देवो और आवो, और असी सदा थोड़ी अड़ीक दे विच रहिंदे आ, क्योंकि थोड़े आने नाल ही जिहड़ी महफिल सजदी है। हाँ जी जय गुरुदेव। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, जरा टैली दी आवाज बंद कर रहे हैं। जय गुरुदेव जी। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। अपने राही साहब, बंगर साहब राही बोल रहे हैं। मैंने लग गया पता जी, लग गया, बोलो सुबह। हाँ राही जी, जी आन ते होर किदां, ठीक ठाक हो? बिल्कुल, तुसी आ गए तो होर ठीक हो गए। हां थैंक यू थैंक यू। ते आज मैं डॉक्टर भीमराव दी कविता लेके आया। बोलो जी बोलो। भीम जी, रहिंदी दुनिया तक रहेगा नाम तेरा। बिल्कुल, जिन गरीबा नू जीन दा हक दिता। किदा सिफत करा तेरी कलम दी मैं। विधान विच जिने बराबरता दा सानू हक दिता। बिल्कुल, अमीर गुलाम होके भी आजाद रहे। हाँ, अमीर गुलाम होके भी आजाद रहे। बिल्कुल, गरीब सदा गुलामा दे भी गुलाम रहे। रब्बा देवी सुनेहा मेरा भीम ताई, जिनू कर असी रोज प्रणाम रहे। बिल्कुल, साडे जखमा ते मलम लगाई जिने। अणगिनत वड्डे तो वड्डे जखम भी रोज सहे खुदा। किन्नी कर्म सी, किन्नी कर्म सी तेरे, किन्नी ताकत सी तेरी कलमे अंदर। जिन भन तोड़ अमीरां दा लक दिता। क्या बात है, सिफत करा तेरी कलम दी मैं। संविधान विच जिने बराबरता दा सानू हक दिता। संविधान जिने बराबरता सानू हक दिता, क्या बात है। सदियां बीत गईयां सी करलांदियां नू। सदियां बीत गईयां सी करलांदियां नू, जीना खुशी नाल असी भी चाहते रहे। कोर्स, दिला दिमागा ते बोझ इन्ना वध गया सी। ओदे चो निकलन लई तान भी असी लौंदे रहे। जालम साडे जखमा ते लूनी छिड़कदे रहे। असी उच्ची तो उच्ची सदा कर लौंदे रहे। तेरियां लीयां ते असी हुण चल पए हां। बिल्कुल, तेरा झंडा आसमान विच चक दिता। किदां सिफत करां तेरी कलम दी मैं, विधान विच जिने बराबरता दा सानू हक दिता। बराबरता दा हक दिता, बाबा तेरा लिखिया होया विधान हाले भी कई लीडर लोग टेबलां थले छुपाई जांदे। ठगी ठोरी इथे इन्नी वध गई है, आगू लोग सामने साडे अखी घटा पाई जांदे। भावे मिल गया वोट दा हक सानू, मर्जी नाल ओ भी नहीं ओ पा सकदे। जोरावर लोग सानू हाले भी ने भरमाई जांदे। समझा समझा के लोकां नू थक गया राही। इन्हां नू इकट्ठे करन दा कोई नवा तरीका दस मीता। सिफत करा तेरी कलम दी मैं, विधान विच जिने बराबरता दा सानू हक दिता। विधान विच जिने बराबरता दा सानू हक दिता, बिल्कुल दिता जी, उन्हें बहुत कुछ दे गया माजी। बाबा साहब सानू बहुत को दे गए राही जी। असी इनू काय असी संभाल नहीं सकदे ते उहनां दा ते कसूर नहीं। ने संभालांगे, हां संभालांगे संभालांगे, ते तां ही जे पूरे इकट्ठे होईए तां इकट्ठे होणा ही पएगा।
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ ਤੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿੰਨ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬੋਲੋ ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਨਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਨਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਾ ਵਾਸੀ ਹਰ ਤਰਫ ਕਲਪ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਬ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰਫ ਲਗਾਏ ਪੁਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਹਰ ਤਰਫ ਮੋਦੀ ਕਾ ਸਾਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਓ ਡੀਆ, ਕਭੀ ਥਾਲੀ ਬਜਵਾਈ, ਹਾਂ, ਕਭੀ ਗੰਟੀ ਖੜਕਵਾਈ, ਮਗਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਾਗ ਪਾਈ, ਅਬ ਐਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਲਾਸ਼ੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ੇ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ੇ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤਾਰੋ ਮੈਂ, ਕਿਤਾਰੋ ਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਾਰੋ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਾਂ, ਅਬ ਲਾਸ਼ੇ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਕਿਤਾਰੋ ਮੈਂ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋ ਖੂਬ ਫੈਲਾਇਆ, ਹਾਂ, ਯਹੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋ ਖੂਬ ਫੈਲਾਇਆ, ਵਾਹ, ਗਰੀਬੋ ਕੋ ਲਾਕਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਈ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਕਰੋਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ੋ ਕੋ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜ ਡਾਲੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨੇ ਦਿਖਾ ਡਾਲੀ, ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਨਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਮੋਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਏ ਵਾਲੇ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਤਾਕਰ, ਚਾਏ ਵਾਲੇ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਤਾਕਰ, ਗਰੀਬੋ ਕੋ ਥਾ ਬਰਮਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਦੇਕਰ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹੋਨੇ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਹਾਂ, ਜੁਮਲੋ ਸੇ ਬਰਮਾਇਆ ਸਭ ਕੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮਲੇ ਬਣਾਏ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਦਊਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਕੋ ਨੀਚਾ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰਫ ਹੈ ਆਜ ਦੁਖਿਤ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਭ ਦੁਖਿਤ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਰਫ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਖਿਤ ਸਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੋ ਹੈ ਉਜਾੜ ਦਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੋ ਉਜਾੜ ਦਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਡੀਐਮ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਖੋ ਦਿਆ, ਹਰ ਤਰਫ ਹੈ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਰਤ ਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬੜੀ
मुसीबत है जनता के लिए, मोदी एक बड़ी मुसीबत है। क्या बात है, क्या वो तो बोलता ही नहीं, वो कहता सी मैं बंगाल जितना है दीदी दीदी करके, हुण कित्थे गया, 75 साहब सीटां आईयां उहदे लई दुनिया जिहड़ी आ करोना दे विच सारी फसाती है। ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇਜੀ ਸੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਮ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਵ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਏਜਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਇਸ਼ਕ ਮੇ ਜੋ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। ਆਹਾ, ਤੋਹਫਾ ਇੱਕ ਦੀਨ ਹੈ ਉਸਕੀ, ਮਰਤਬੇ ਯੂੰ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਕਰੇ ਸਾਲਾ ਹੈ ਕਲੀਦ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਵਰਨਾ ਦਰ ਉਸਕੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। मांगते हैं तुझी से तेरी रजा, गैर के हम गदा नहीं होते। क्या बात है। जिनके दिल में हो साहिब लो लाख, तीर उनके खता नहीं होते। एक नजर तुझको देखने वाले, गैर से आशना नहीं होते। गैर से आशना नहीं होते, क्या बात है, क्या बात है। एजाज साहब, डॉक्टर जी तुझे तो बहुत बढ़िया। आंसू तो कर अदा सजदे, आंसू रसा नहीं होते। हमको मंजिल सराब होती है, आप जब रहनुमा नहीं होते। कैसे आदम वो फूल खिल जाएं, जिन पे दस्ते सबा नहीं होते। हेलो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया एजाज साहब, तुसी बहुत बढ़िया गजल लिखी। मैं उर्दू ही पढ़ सकना था, ऐसा से उर्दू दी है पढ़ना गजलां वगैरह। अच्छा जी, क्योंकि जड़ी है ना उर्दू दे विच जिन्नियां भी गजलां आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਏਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪੂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾਂ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਜੋਈ ਕਰਾਂ, ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੋਣੋਂ ਡਰਾਂ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪੂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾਂ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਜੋਈ ਕਰਾਂ। ਲਾਈਵ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮਰ ਹੋਏ। ਓ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਹਮ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਹਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥੇ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੋ ਹਮਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੀ ਠੰਡੀ ਧਰਤੀ ਪੇ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸਭ ਬਾਬਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਹਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ
खोड़ी है जुग सी सब की पोड़ी है पोड़ी पे चल के रस नमा जोगी जी एथे आया है गुरु ज्ञान बिना बाबा कुछ भी न थे गुरु ज्ञान से हमने पाया है गुरु ज्ञान से हमने ज्ञान से हमने पाया है जीवन की धुंधली राहों को जीवन की धुंधली राहों को गुरु ज्ञान से ही रोशन आया है गुरु ज्ञान बिना हम कुछ भी नहीं कुछ भी न थे कुछ भी न थे। क्या बात है, बिल्कुल गुरु ज्ञान बिना इंसान है ही कुछ नहीं हो। हाँ जी, ज्ञान जिन्ना भी गरेवाल साहब अपने को आज भी है ना उन्ने ही कम है। हाँ जी, आप बहुत तो बहुत ज्ञान लड़े। मैं एक सेट करती थी ना उर्दू की गल की थी सी पर थोड़े प्रोजेक्ट जी ने सब तो सोनी जी गजल मैं उन्हें गाई वो सी एक कसेट दी हुई है पूरी कसेट हुई सी। अच्छा, जो कसेट दे विच उन्हें गजले गाई तो अज भी कई बार रेडियो वाले ये गजल लाते होंगे। अच्छा जी, वेरी गुड है जी। मैं थानू सच्चे तो गजल सारी जी ने गजल होंगी गजल के बच्चे आदमी अपने जज्बात पेश करता है। ये सच्ची गल है जी। हाँ जी बिल्कुल, शेर व शायरी होंगी है एक होंगी एक मुख्तलब जिन्हों कहते ना वो होंगी चार बेट कर रहे हैं गरेवाल साहब। सो थोड़ी हुण गल मुक गई है जी। हाँ जी, क्योंकि लेना बहुत बिजी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थोड़ा बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट वन जी। शिकवा करा गिला करा जा आपू बेवस हो के परा जे हिम्मत करा तो किनू अरजोई करा। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जगदेव जी। जगदेव जय भीम नमो बुद्धा जय भारत। हाँ जी, हाँ जी भाजी, अज तो दुख दिया पहले कॉलर ने तो सारा कुछ ही कह दिता। हाँ जी, मैं एक जरूर गल कहूंगी जेड़ा गुरु का घर होंदा तो मालिक का होंदा है। बिल्कुल, वो तो किसी का भी नहीं इस वर्ल्ड के विच, वो तो मालिक का। देखो आज इंडिया च की हो रहा। हाँ जी, किसी नूं तरस आउंदा तो नहीं, कोई नहीं आ रहा जी। पर हुण करिए कि उत्थे जो हो रहा दुनिया सामने आ, दुनिया जिहड़ी आ ऑक्सीजन बिना मरी जी। गल कही जी, कहिंदा जे होवे बंदा बंदे नूं पछाणदा इहदा मकसद मंदर जांदा। जे उत्थे इहो ही कुछ करना मंदरां दे विच उह तां भगवान दा घर आ। बिल्कुल, ओ जिन्ने कीता ओ अपने लिए कीता, महाराज जी तो साडा सदा लई जीदा हो गया। ओनू तो सदा ही, ओ तो सदा लई वड्डा बन गया। हाँ जी, ये तो गल ठीक है भैन जी। एक गल होर आ भाजी, बाबा साहिब जी ने संविधान एक गल ने लिखिया सी, ना उत्ते गरीब ना अमीर ना को उच्चा ते ना नीवा। बिल्कुल, समानता लई ती तो बेटे दा इक्को इक्को इंसाफ कीता। की इंडिया दी गवर्नमेंट समझदी आ? मैं आप ज्यादा गलां तो की करनी, मैं तो एक कहनी है सिकंदर राजे ने इन्ना कुछ किया तो की लेके गया दुनिया को, तो इन्हें की लेके जाना, तो आप की लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल सही गल। देखो जी, जो करता है उन्हें बहुत देर हूँ रहना नहीं हो, उन्हें चले जाना। सो थैंक यू। सिकंदर राजे ने एंड पे की होया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिकंदर राजे तो सिख ले रही है, बंदा बंदे तो पछाण लीए, तो कभी अपना भारत सोने की चिड़िया कोई उन्होंने खराब ही नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही गल। जो उत्थे अग लगी है भजौड़ी तो आप ही है ना, गरीबां दी गरीबां दे ज्यादा ही लगी है, गरीब अमीर तो उत्थे सवार नहीं रह गया, उत्थे इंसानियत दा रह गया। हाँ जी, जो बाबा साहिब जी ने लिखिया सी अज ओही मोहरे आ गया ना।
हाँ जी बिल्कुल सही गल वा, वो जिहड़ा है ना संविधान वा इस वेले घटिया लोगों के हत्थां च वा और वो अपने मनाइयां कर रहे आ और दुनिया नूं जिहड़ा आ तड़फा तड़फा के मार रहे आ। सो थैंक यू भाई, संविधान नूं कोई खराब नहीं कर सकदा, नहीं हिला सकदे, बिल्कुल सही गल वा। हिला सकदा अमरीका वाले ने की किया, कनेडा वाले ने, सारे वर्ल्ड ने की किया, इस संविधान वाले तो कोई दुनिया ते संविधान ही नहींगा। बिल्कुल सही गल वा, थैंक यू भैन जी। थैंक यू भैन जी, हुण साडा जिहड़ा समां है उह मुक्क गया, तुहाडे बहुत विचार अच्छे आ, बहुत शुक्रिया तुसीं जिहड़ा आए। थैंक यू भैन जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, साडा समा हुण मुक गया, सो आप दा बहुत धन्नवाद है जो तुसीं आए आ। ओके थैंक यू, इसी साडी भैन जी मिसी रतू जो सही गल्लां करके गए, आप सब नूं बहुत बड़ी प्यार भरी जय गुरदेव जय भीम असीं कहिंदे आ, क्योंकि भीम तो बिना तो असीं कुछ भी नहीं। सो आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद, अगले हफ्ते तक आपां फिर इस तरह आके अपनी महफिल सजावांगे और तुसीं इंतजार करना, फिर इस तरह हर एक ने आना और आके साढ़े इस प्रोग्राम नूं अपने चार चन लाने। आप सब दा फिर तह दिलों प्याला बंगड़ धन्नवादी हुंदा है, अगर कोई गलत लफ्ज़ मूँह चो निकल गया होवे तां खिमा दा जाच कहां, क्योंकि हर एक इंसान आपो अपने विचार दिंदा ते कई बारी गलत भी लग पिया हो सकदा। सो इंसान इंसान है। थैंक यू, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।